नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की टीम आजकल छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में है और आज यहां पर हम मिलेंगे भतरा आदिवासियों से, बात करेंगे उनकी सामाजिक व्यवस्था की, उनकी संस्कृति की, भाषा बोली की और उनकी जीविका के साधनों की। मेरी नाम कलावती है, मेरे गांव आसना है, ग्राम आसना है। मेरे जन्म मरण तो कुमार गांव है, मेरा माँ पिताजी वहीं पे, वहीं बड़ी। थोड़ा बड़े हुए तो मर पीछे वाला भाई मन बहन मन सब खत्म होने के बाद इधर चलो बोले बाबा। उसके बाद फिर मेरा शादी भी हुआ था। उसके बाद वो शादी वो बाबू से मरा हुआ था, वहाँ नहीं रही, वो आदमी दूसरा औरत लाया, तो मैं फिर आ गई है माँ के यहाँ। उसके बाद फिर मेरे माँ पिताजी वो दशहरा होता है जगदलपुर में, उसमें होटल खोलने गए। उसी में इकबाल जी आए थे नागपुर से और वही बाजू में घर था उनका, तो चाय बनाते मेरे माँ पिताजी, तो रोज़ चाय पीने जाते थे। फिर उसी दौरान मैं भी गई होटल, उसमें मुलाकात हुआ उनसे। उसके बाद फिर दशहरा खत्म हुआ तो हम लोग घर आ गए आसना। आने के बाद फिर वो इकबाल जी ढूंढते डांटते आसना आ गए, बाबा का नाम पर पूछते पाछते। तो उसी में हम लोग का कब प्यार हुआ क्या हुआ हम नहीं जानते, तो हो गया। फिर उसके बाद वो बोले इकबाल जी इनको मैं शादी करूँगा बोले, तो इनकार मेरा मन था। तो हम लोग बड़े बड़े सियान लोग को बुलाए और हम लोग शादी करेंगे बोल के, फिर उनको बोला ऐसा में शादी करोगे तो इतना इतना देना पड़ेगा बोले गए, मन कुकड़ा मतलब खिलाए पिलाए। फिर उसी में थोड़ा सा हल्दी लाए, टीका टीकी कर दिए दोनों को बिठा के, उसी में हो गया। फिर वो फिर उसके बाद हम लोग दूसरा घर में थे, दूसरा घर में किराया ले के रहे थे हम दोनों। फिर वो पुनीबती के मैं प्रेगनेंट हुई, उसके बाद फिर वो उनका नौकरी को इस्तीफा देने के लिए वो नागपुर चले गए। तो उसी दौरान में मर सगा वाले मेरी माँ मर सब सगा वाले, हाँ बाहर का आदमी आया है, ये लड़की कैसा रखेगा कैसा नहीं, प्रेगनेंट भी वही है, ऐसा वैसा छोड़ के भाग गया, ऐसा बोलते थे। मैं मेरी माँ को बोली छोड़ के भागो अरे कहीं भी जाओ, बच्चा है कि बच्ची पैदा होने से मैं खिलाऊंगी मैं पालूंगी बोली। उसको ऐसी बोलने के बाद फिर मेरी माँ बोली ऐसा ऐसा बोल रही है बोल के बोले, तो चुपचाप हो गए वो लोग। पर दूसरा महीना में इकबाल जी आ गए, वापस आ गए। एक बार नागपुर लेके गए थे ना घर में, तो ऐसी गई थी तो मर वहाँ सब सगा लेते सब लोग, तो ये कैसा लड़की है ऐसा बेंद्री जैसी बोल गए ऐसा बोल रहे थे ऐसा, तो ऐसी बोल रहे। तो पटापट रात भर में सिलाई हुआ, पेटीकोट ब्लाउज लंबा साड़ी ये सब कर दिए हुआ। और पहने में तो कभी नहीं पहनी थी ना, तो ब्लाउज पहनने के बाद इधर बांधे बांधे जैसा लगे ऐसा 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 होती थी मैं। इकबाल जी भी देख के दंग रह जाते थे, तो वो बोले नहीं पहना है ना तेरे को, नहीं पहनने बार आए ना तेरे को, निकाल दे बोलते थे। दक्षिण बस्तर के जगदलपुर में
आसना गांव की कलावती का बेटा, बेटी, बहू और पोती के साथ भरा पूरा परिवार है। परिवार के सभी सदस्य शहरी जिंदगी जीते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, भाषा बोली सब कुछ आधुनिक है। मसलन उनकी बेटी शबनम फैशन डिजाइनर है, लेकिन कलावती के परिवार के इन सदस्यों ने कभी भी कलावती को अपना रहन सहन बदलने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपनी माँ की भाषा बोली को भी उन्होंने सीख लिया। उनकी बेटी शबनम स्थानीय आदिवासियों की कई भाषा समझती हैं। उन्होंने ही हमें कई स्थानीय लोकगीतों का अनुवाद करने में मदद की। और यही कलावती हमें अपने पैतृक गांव यानी भतरा आदिवासियों के एक गांव में ले जा रही हैं। सुबह के करीब 6 बजे हम बनिया गांव पहुंच गए। हम सीधे रामनाथ कश्यप के घर पहुंचे, जो रिश्ते में कलावती के चाचा हैं। लेकिन रामनाथ कश्यप घर पर नहीं थे, वो गांव में किसी पड़ोसी के घर गए हैं, जहां पर पूजा हो रही है। सो हम उनसे मिलने उस घर की तरफ चल दिए। अभी गांव में सुबह की दिनचर्या शुरू हो रही थी। कई महिलाएं पानी भरने के काम में लगी हैं। तो कुछ घर का कामकाज शुरू कर रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जंगल की तरफ जाती हुई नजर आई। यह सब देखते हुए हम गांव के दूसरे छोर पर उस घर पहुंच गए जहां पूजा हो रही थी। लगता है रात भर यहां कीर्तन हो रही थी और अब हवन के साथ पूजा संपन्न हुई है। यह पूजा सनातन धर्म के विधि विधानों से चल रही थी। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर गांव के भतरा आदिवासी मौजूद हैं। यहाँ ये धर्म को जो है ना, अभी करीबन बनिया गांव में 8-10 घर इसको मान रहे हैं। कुछ लोग धर्म को उसको समझे कि ये कौन सा धर्म क्या है, ये कैसा आया है। अभी ये जो ये पृथ्वी के रक्षा के लिए आया है ये धर्म, तो इसमें कुछ लोग सहयोग दे रहे हैं, मतलब ये सहयोगी कहा जाएगा उसको भी। जैसे आदिवासी लोग भी है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, तो उनमें से
आदिवासी लोग जो शादी ब्याह होता है वो शादी ब्याह में उनके जो नियम है उन लोग वो नियम से उनका शादी ब्याह करेंगे, और जो अब लोग कुछ लोग यहाँ सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोग अपने नीति नियम से शादी ब्याह करेंगे। और लेकिन उसमें ये धर्म का धर्म ले लिए इस कारण वहाँ खून करावा बलि मतलब खून करावा बकरा उकरा नहीं काटेंगे, बस ये है। शाकाहारी से वहाँ शादी ब्याह निपटाएंगे, मांसाहारी से नहीं निपटाएंगे। यहाँ जो ये धर्म को धारण करते हैं तो उनको ना अपने शादी ब्याह में भी मांस मछली सब निषेध है, वो बंद करते हैं, करते नहीं हैं। तो अगर अब उन लोग कहीं से शादी ब्याह करते हैं जो बेटी लाते हैं तो वहाँ उन लोग समझौता करके लाते हैं, क्योंकि हम लोग अलग धर्म से दीक्षित हैं, वो धर्म पालन कर रहे हैं बोल के उन लोग समझौता करके लाते हैं। प्रसाद वितरण के साथ पूजा संपन्न हुई और हमने यहाँ से रामनाथ कश्यप के साथ विदा ली और उनके घर लौट आए। घर लौटकर रामनाथ कश्यप ने अपने देवी देवताओं की पूजा आरंभ की। उन्होंने अपनी देवी देवताओं को अंदर की कोठरी में रखा है। इस कोठरी के दरवाजे पर धान से बनी बंदरवार बांधी गई है। इनकी इस कोठरी में दरअसल एक पालकी है और यही इनके देवी देवताओं और पुरखों की प्रतीक है। रामनाथ कश्यप जब अब अपने देवी देवताओं की अर्चना कर रहे थे तो उनकी पूजा पद्धति पर सनातन धर्म की विधि विधानों का प्रभाव देखा जा सकता था। वो धूप और घंटी के साथ पूजा पाठ कर रहे थे और घूम घूम कर अपने देवी देवताओं की आरती उतार रहे थे। इसके बाद वो दंडवत भी करते हैं। अपने पूर्वज के लमानी माता के नाम से लमानी माता, लंगूर माता और प्रदेशनी माता, गंगादी माता, ये माता के नाम का है। और देवी और देवी में भैरम देव, पड़ागड़ा भैरम, उलट भैरम, पुलट भैरम, बूढ़ा भैरम, नांगा भैरम, जैना भैरम, ये देव है। और राति में पीतर डुमा बोलते हैं और है आया और बुआ बोलते देते हैं। और सात बहनी तेलंगनी राहु मिर्चुक आठसुंदरी बाढ़सुंदरी गर्भलुली पेटपुली ये है। मैं तो पूजा तो एक ही जन करता हूँ, सब देवी देवताओं का मैं नाम लेता हूँ है नहीं। राति मैं पिदट माँ बोलती देता हूँ और अनाकसन सन कुंवर बन कुंवर बुढ़ी बन जानू कोटा में देता हूँ, गाय बला बांधते हूँ वहाँ पर, और द्वार मंडिया बोलते रास्ता में देता हूँ सामने। और ये तो सब माता मालू की एक ही जन पूजा करता हूँ। देवभूत की पूजा मतलब अमोस नया खानी ये इस चीज में इन लोग पूजा करते हैं, रहता शनिवार मंगलवार तो पूजा करते ही रहते हैं बारह महीना। और पर्व कौन कौन से होते हैं नव खानी जो आप बोल रहे हैं उसमें क्या क्या करते हैं आप? नया खानी में वही नया धान को चढ़ाती है। अमोस में कुछ अपने तो वहाँ पर बुकड़ी मकड़ी मासा पर वहाँ तो पूछते ही पूछते हैं इनको साल में एक बार। और तो अमोस में तो पूजा करते हैं रधिर से फून देते हैं आसा कुकड़ा पर जो भी बलि चढ़ाते हैं। और नया खाने में वही नया धान को चढ़ाती हैं और पूरा परिवार बैठ के टीका मारते हैं पकौड़ा करते हैं खाते हैं। त्रिलोक होइयाबे रजदरिलु रे त्रिलोक होइयाबे रजदरिलु रे त्रिलोक होइयाबे ए त्रिलोक होइयाबे रजदरिलु रे
त्रिलोक भैयावे राजधरिलु ए त्रिलोक भैयावे महिला एलु महिला सीटे आवे जाहि बसिलु ए त्रिलोक भैयावे सप चयेलु रे त्रिलोक भैयावे राधिका दूतिका एवे ए चित्र लेखा हिंदु मकी टोकी एवे ए सैत मामा राधिका दूतिका एवे ए ज्येष्ठ शिला हिंदु मकी टोकी एवे ए सैत मामा कमला बिमला एवे ए ज्येष्ठ शिला राधिका दूतिका एवे ए ज्येष्ठ शिला आसो आसो ये कमला आसो बिमला रे आसो आसो ये कमला आसो बिमला रे आसो आसो ये कमला ए आसो आसो ये कमला आसो बिमला हे आसो आसो ये कमला आसो बिमला रे आसो आसो ये कमला ए रदमा पदमा हची ए सैत बामा रे रदमा पदमा हची ए सैत बामा हे रदमा पदमा। बनिया गांव से निकलकर हम भतरा आदिवासियों के एक और गांव कोमार गांव पहुंचे। कोमार गांव जिला मुख्यालय से करीब 70-75 किलोमीटर भीतर की तरफ है। इस गांव के आदिवासी अभी भी अपनी जरूरत के लिए जंगल पर आश्रित हैं। जलावन की लकड़ी के अलावा कई तरह की वनोपज ये आदिवासी जमा करते हैं, जिससे इन आदिवासियों को कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। उन विभाग में रहता है ना सर, वो टेंडर वर्क ठेकेदार में टेंडर वर्क है, वो लोग हमको इतना इतना देव बोल के बोलते हैं, तो गांव गांव में फोड़ रहता है, हर गांव केंदु पता फोड़ भी रहता है, सर की फोड़ भी रहता है, तो जो गांव का वही गांव में ले जाते हैं। किलो इस साल 20 रुपया है बोल, इस साल तो सर की नहीं है, तेंदु पता था मगर अच्छा कमाए कमाने वाले। भतरा आदिवासियों की कुल आबादी 3 लाख से ज्यादा है। इनकी सबसे ज्यादा आबादी छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में है। छत्तीसगढ़ की कुल भतरा जनसंख्या 2,06,000 है। इसके अलावा ओडिशा में भतरा आदिवासियों की जनसंख्या करीब 1 लाख है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भतरा आदिवासियों की कुछ जनसंख्या है, लेकिन यह जनसंख्या बेहद मामूली है। भतरा आदिवासियों की जीवन शैली में अब काफी बदलाव आ रहा है। सरकार की कई योजनाओं का असर भी इनकी जिंदगी पर दिखाई देता है। मसलन अब इन आदिवासियों की पहुंच स्कूल, आंगनबाड़ी, बैंकों और अस्पतालों तक हो रही है। कई तरह के बदलाव इनके रहन सहन और पहनावे में भी देखे जा सकते हैं। अभी तो पूरा गांव में, हर गांव में स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब कुछ है अभी, और मेरे जमाना में भी नहीं था स्कूल। गांव वाले बच्चे तो इतना आई स्कूल तो नहीं गए शायद, अरे जगदलपुर के आसपास बच्चे गए हैं, जो शहर के आसपास के बच्चे हैं। कई हॉस्टल वाले स्कूल भी हैं, है अभी अभी मिला है, तो अभी तो वो लोग फोड़ के निकल गए ना बड़े बच्चे, अब छोटे बच्चे लोग अच्छा पढ़ेंगे। कई आदिवासी परिवार अभी भी कुछ हद तक खाना जुटाने के लिए जंगल जाते हैं। एक ऐसे ही परिवार के साथ हमें भी जंगल जाने का मौका मिला। गांव के पास के ही जंगल में ये आदिवासी खाना जुटाने जाते हैं। इसमें कई तरह के साग या खुम्बी जैसी चीजें ये जमा करते हैं। इसके साथ ही कई तरह के छोटे कीट भी ये आदिवासी खाने के लिए जमा करते हैं। हम जिस परिवार के साथ आए हैं वो चापड़ा जमा करने आया है। वो वहाँ पर भी है सफेद वाला जो है, हाँ हाँ, वो ऐसे जो बना हुआ है, हाँ हाँ, उसके अंदर रहता है। हाँ उसके अंदर रहता है, हरा दिखता है उसमें ज्यादा रहता है, हरे में ज्यादा होता है। हाँ। तो हरा दिख रहा है, दिख रहा है। जंगल में पहुंचकर सबसे पहले ये लोग एक पेड़ का मुआयना करते हैं।
इसके बाद आश्वस्त होने के बाद आदिवासी पुरुष पेड़ पर चढ़कर डाल को काटकर नीचे फेंकता है। उनकी पत्नी इस डाल को उठाकर जल्दी जल्दी टोकरी में झाड़ने लगती है। करीब जाकर हमने देखा तो बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। चापड़ा दरअसल एक तरह के चींटे हैं। तो इसको भूनते हैं या ऐसे ही बनाते हैं? गुंज भर है। भूनना है? कितनी कहीं कहीं चांद चलिए वैसे भी खाने से अच्छा लगता है। तो ये किसी खास सीजन में मिलता है या? सीजन में मिलते हैं आजकल थोड़ा। क्या क्या डालते हैं और चटनी में इसके अलावा? इसमें हाँ चटनी में अदरक लहसुन लाल मिर्च ये पिसा वाला उन्हें अच्छा नहीं लगता। बता रहे थे कि अगर मलेरिया हो जाता है तो इससे कटवाते हैं, कैसे करते हैं? उसको बिटाते हैं क्या बुखार वाला आदमी को और झाड़ से इसे काट के उसको ऊपर झाड़ देते हैं। झाड़ देते हैं वो हमेशा ऐसा ही रहता है। और उसको दर्द नहीं होता है? थोड़ा कान में रुई लगा देते हैं, कान में ना घुसे तो वो तो बहुत तेज काटता होगा, उससे निशान हो जाता है। हाँ हाँ तब तब जाके तो मलेरिया भगता है। अच्छा उससे मलेरिया ठीक हो जाता है? और खांसी जुकाम के लिए भी खाते हो आप? हाँ खांसी जुकाम के लिए भी। तो कैसे इसको ऐसे सिर दर्द होने से भी इसको नीलगिरी पत्ता उसके साथ पीस कर नीलगिरी पत्ता के साथ माथे बांधते हैं। अच्छा 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 और ऐसे भी खाते हैं, शौकिया भी खाते हैं? हाँ हाँ। काहे के साथ खाते हैं? सलपी लंदा इसके साथ तो और मजा आए। और मजा आए चखना के रूप में। चखना के रूप में भी खाते हैं? तो हमें खिलाएंगे आज? खिलाएंगे। तो बनवाइए चटनी जरा। आइए देखते हैं कैसे बनती है। बहरहाल इस परिवार के साथ बोलते बतियाते हम इनके घर लौट आए। सूखना पड़ता है ना, वैसे भी खाते हैं क्या? थोड़ा चिट्टी चिट्टी जैसा लगता है। काट चुके मुझे तो। घर में उनकी पत्नी ने सबसे पहले इन चीटों को धोया और फिर अदरक हरी मिर्च और नमक के साथ उसको पीस कर चटनी बनाई। बहुत मिर्ची वाला तो नहीं होगा? कैसा तो हमारा देखें टेस्ट करके। हमारे हिसाब से बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा। तो ये चापड़ा की चटनी है जो आपने देखा कि इन्होंने जंगल से जाके एक पेड़ से एक खास किस्म के
पीले जैसे दिखने वाले चींटे जो हैं उनको जमा किया और ला के धो के साफ किया, लहसुन हरी मिर्च और नमक के साथ इस चटनी को बनाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक बार आप इसको चख लेंगे तो बार बार इसको खाना चाहेंगे। थोड़ी सी तीखी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे दाल और चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और चापड़ा जिसको ये कहते हैं, जिन जो चींटे हम अपनी भाषा में जिसको कह सकते हैं, उसका एक और प्रयोग ये लोग करते हैं। इनकी ये मान्यता है कि अगर किसी को मलेरिया होता है तो जिस पेड़ की डाल पर चापड़ा होता है या चींटे होते हैं, मलेरिया जिस आदमी को है उसको बिठा देते हैं और उसके ऊपर वो पूरा उसको झाड़ देते हैं और वो चापड़ा इनको पूरे शरीर पे काटता है। और इनका ये मानना है कि उसके बाद मलेरिया बरसों तक के लिए चला जाता है। तो खाने में भी स्वादिष्ट है और उसका मलेरिया को भगाने के लिए भी ये आदिवासी इस्तेमाल करते हैं। खाइए, बहुत बढ़िया। ये आदिवासी छोटे मोटे पक्षी भी पकड़ते हैं। इसके लिए ये आदिवासी आमतौर पर पेड़ पर चढ़कर उसकी खो में पक्षी के अंडे या पक्षी तलाशते हैं। कई बार पक्षी पालने के इरादे से भी ये आदिवासी पक्षियों को पकड़ते हैं। खासतौर पर मैना के बच्चे ये आदिवासी बड़े शौक से पालते हैं। भतरा आदिवासी स्थायी खेती करते हैं, लेकिन खेती अभी भी गुजर बसर के लिए ही की जाती है। ज्यादातर खेती बारिश के भरोसे ही होती है। हालांकि भतरा आदिवासी आबादी वाले इलाके में आधुनिक और व्यावसायिक खेती भी की जा रही है, लेकिन इस तरह की खेती इन आदिवासियों के लिए संभव नहीं है। इसकी बड़ी वजह है जानकारी और निवेश के लिए पैसे का अभाव। लेकिन इन खेतों में आदिवासियों को रोजगार जरूर मिलता है। बाहर से आए के खरीद के किराया लेके वो लोग बना के फिर अमरची आदिवासी जाते हैं वहीं काम करने। ऐसा अकल भी तो नहीं है, ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं तो कहाँ से अकल आए। खेती को माने अच्छा करने से तो आसानी होता। अमर बतरा मोरिया तो कमाने नहीं जानते ना, अभी बाहर से आके कमा रहे हैं तो वो लोग कितना फायदा उठा रहे हैं ऐसा नहीं जानते। हमार आदिवासी जितना कमाए उतना ही मिला तो संतोष में रहते। भतरा आदिवासी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बदलाव का यह दौर उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सकता है। लेकिन इस दौर में इन आदिवासियों को उन शक्तियों से संरक्षण की भी जरूरत है जो उनके लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं को उन तक पहुंचने से रोकती हैं। तो भतरा आदिवासियों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों पर बाहरी समाज या यूं कह लीजिए बहुसंख्यक समाज का प्रभाव नज़र आता है। जहां तक इनकी ज़िंदगी के आर्थिक पहलू का सवाल है, उसमें भी कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। कई सुविधाएं इन तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी भी भतरा आदिवासियों की ज़िंदगी मजबूती के साथ जंगल से जुड़ी हुई है। फिलहाल मैं भी भारत की पूरी टीम को अनुमति दें, जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।